बचा इस नशीली रात में, माने ना मेरा दिल दीवाना। ओ ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा। दिन ढल जाए हाय, रात न जा, तू तो न आए, तेरी याद सता। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। अब तो खुद इतनी स्टाइलिश नहीं, लेकिन आपको कौन स्टाइलिश हीरो लगता था? देवाना देव साहब। वाह। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब कुछ ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी दिखाऊंगा जिसे देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। फिल्म का नाम है काला पानी और हीरो हैं अपने देव साहब। देव साहब का नाम इस फिल्म में करण रहता है और करण को पता चलता है कि उसके पिता जेल में है, जबकि उसकी माँ बचपन से ही उससे झूठ बोलती है कि उसके पिता का देहांत हो चुका है। करण अपने पिता से मिलता है और उसे पता चलता है कि उसके पिता जिस हत्या के जुर्म में सजा काट रहे हैं, वह हत्या उन्होंने की ही नहीं है। करण अपने पिता की बेगुनाही को साबित करने के लिए सबूतों की तलाश में लग जाता है, जिससे वह केस को फिर से खुलवा सके और अपने पिता को आजाद करा सके। करण की मुलाकात एक गवाह से होती है जिसने अदालत में उसके पिता के पक्ष में गवाही दी थी। इस गवाह से उसे इंस्पेक्टर मेहता के बारे में पता चलता है, जो उसके पिता के मामले में जांच अधिकारी थे। करण जिस आशा के घर में पेइंग गेस्ट के तौर पर रहता है, वह आशा एक पत्रकार है। इंस्पेक्टर मेहता से करण को अन्य गवाह किशोरी और जुम्मन के बारे में पता चलता है। इंस्पेक्टर मेहता यह स्वीकार करते हैं कि उन्हें दाल में कुछ काला लगा था, लेकिन वह बचाव पक्ष के वकील के आगे चुप हो गए थे। बचाव पक्ष के वकील दीवान सरदारी लाल थे। इंस्पेक्टर मेहता करण को बताते हैं कि किशोरी और जुम्मन किसी चिट्ठी के बारे में बता रहे थे जो उसके पिता को निर्दोष साबित करने में महत्वपूर्ण हो सकती है। करण किशोरी को रिझाने की कोशिश करते हैं जिससे वह चिट्ठी हासिल कर सके। इसी बीच करण और आशा के बीच में भी प्रेम पनपने लगता है। करण वकील दीवान सरदारी लाल से मिलता है कि वह कैसे केस को फिर से खुलवाए और अपने पिता को निर्दोष सिद्ध कर सके। करण वकील सरदारी लाल से पूछता है कि क्या किशोरी से चिट्ठी हासिल कर लेने से वह ऐसा कर पाएगा। वकील सरदारी लाल उसको कहते हैं कि पहले वह चिट्ठी हासिल करे, उसको देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। दीवान सरदारी लाल खलनायक का काम करता है और वह राय बहादुर जसवंत राय, जिसने सच में खून किया था, को बता देता है कि करण किशोरी से चिट्ठी हासिल करने की फिराक में है। जसवंत राय जुम्मन को आदेश देता है कि वह इसके बारे में किशोरी को बता दे। किशोरी करण पर आरोप लगाती है कि उसने उसे धोखा दिया है और झूठा प्रेम दिखाया है। करण जवाब देता है कि जिस किशोरी के झूठ से उसके पिता जेल में हैं, उसको कोई हक नहीं है कि वह किसी और को झूठा कहे। सच जानकार किशोरी को पछतावा होता है और वह करण को चिट्ठी दे देती है। करण खुशी से झूमता हुआ चिट्ठी दीवान सरदारी लाल को देता है। दीवान सरदारी लाल करण के सामने ही चिट्ठी को जला देता है। करण समझ जाता है कि वकील सरदारी लाल हत्यारों से मिला हुआ है। दोनों में हाथापाई होती है और पुलिस करण को गिरफ्तार कर लेती है। आशा करण की मदद करती है और अखबार में दीवान सरदारी लाल के बारे छापने का प्रयास करती है, लेकिन संपादक आशा को ऐसा करने से रोक देते हैं, क्योंकि आशा के पास दीवान सरदारी लाल के बारे में ऐसा कुछ लिखने के लिए सबूत नहीं होता है। किशोरी को इसके बारे में पता चलता है और वह वास्तविक चिट्ठी लेकर आती है। करण इस चिट्ठी के आधार पर केस को फिर से खुलवाता है। दीवान अपने अपराध कबूल करता है। शंकर लाल के जेल से रिहा होते हैं। कहानी खत्म हो जाती है। इंसाफ इन्हें जरूर मिलना चाहिए मिलॉर्ड। अदालत का वक्त जाया करना नहीं चाहता। अपना गुनाह मैं तस्लीम करता हूं। इन मुजरिमों ने औलाद से बाप का प्यार छीना है। दोस्तों, ये वीडियो बनाने में कई दिनों की मेहनत लगी है। हम आपके लिए रोज एक न्यू वीडियो लेकर आते रहते हैं। आपके अपने चैनल आ गया हीरो पर, इसलिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको रोज हमारे चैनल पर प्रसारित वीडियो देखने को मिलती रहे। धन्यवाद साथियों, आपका दिन मंगलमय। हम ही आपके होंठों पे लगाए देते हैं। पी भी लीजिए देव साहब, बड़ी देर से छलक रहा है, वरना तो गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है तेरे जुल्मों से तम। दिल पुकारे अरे अरे अरे, अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाऊं। देखी सबकी यारी, मेरा दिल जलाओ ना। चांद
जर्द जर्द है। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। जिया ओ जिया जिया कुछ बोल दो। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ। अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। खुशियों की कलियां झूमेंगी झूलेंगी फूलेंगी जी आज अपने पीछे। फिर आंखों की आंखों में इशारा हो गया। बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले। दिल का भंवर करे पुकार प्यार का राग सुनो प्यार का राग सुनो रे। ओ छोड़ दो आजकल जमाना क्या कहेगा। हाँ 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 इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना दीवाना क्या कहेगा। लिखा है तेरी आँखों में कितना पछताना। अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। जिंदगी भी एक नशा है दोस्त। जब चढ़ता है तो पूछो मत क्या आलम रहता है लेकिन जब उतरता है। मेरा दिल दीवाना ये दिल न होता बेचारा कदम न होते आवारा। दिन ढल जाए हाय रात न जा तू तो न आए तेरी याद सता। आज फिर जीने की तमन्ना है आज फिर मरने का इरादा है। आप तो खुद इतनी स्टाइलिश नहीं लेकिन आपको कौन स्टाइलिश हीरो लगता था। देवानंद देव साहब। वाह।